Let's see. ये स्वामी नारायण मंदिर थीम पर, तो भाई मुझे तो टॉप पंडाल में नंबर वन में ये ही लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। जय माता दी। क्या नेम है आपके चैनल का? जर्नी स्टार। जर्नी स्टार, हेलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, ऋषिका सिंह, फॉलो करिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जर्नी स्टार। और ये आप देख रहे हैं कदमा फार्मेरिया दुर्गा पूजा पंडाल। और आपको मैं बता दूं कि हमारा यह ब्लॉग, नया ब्लॉग जो बन रहा है, ये जमशेदपुर का टॉप 5 दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में। और यह फार्मेरिया, कदमा फार्मेरिया दुर्गा पूजा पंडाल, आपको बता दूं कहाँ है, तो यह कदमा जुस्को स्कूल के पास, ठीक बन्ना गुप्ता का, जो कि हमारे मंत्री हैं बन्ना गुप्ता झारखंड सरकार में, उनके घर के ठीक पीछे बगल में यह पंडाल है। और यह पंडाल टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और 3 दिनों पहले मैं मलखान सिंह पूजा पंडाल का वीडियो छोड़ा हूं, और उस वीडियो में आप लोग का भरपूर प्यार मिल रहा है, और 3 दिनों में लगभग 6000 व्यूज आ गया है। तो हमारा यह वीडियो भी आप लोग देखें और भरपूर प्यार दें, तो वीडियो में बने रहें। और मैं आपको और जमशेदपुर के टॉप पंडालों को घुमाऊंगा, दिखाऊंगा। और ये सब आप देखिए, ये सब बांस का टोकरी से बना हुआ है। ज़्यादातर इस पंडाल में जो काम हुआ है, ये बांस का काम है। जो हुआ है बांस के टोकरी का काम हुआ है। एक कदमा रंगड़ी मंदिर के ठीक सामने ये पंडाल बना हुआ है। छोटा ही पंडाल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पंडाल आप सामने देख रहे हैं। वो सामने वंदे भारत का ट्रैक बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं। पिछले बार भी यह ट्रेन वाला ट्रैक। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के द्वारा
आयोजित यह पूजा पंडाल, और यह सामने जो देख रहे हैं आप काशी डीप पूजा पंडाल। तो चले अब इस पंडाल के अंदर कैसा है डेकोरेशन ये सब देखा जाए। काफी सारे अभी बच्चे वॉलेंटियर बने हुए हैं। तो चले अब इस पंडाल के अंदर जो कि साक्षी में है, साक्षी के काशीडी नामक जगह पर। और घुसते ही पंडाल के अंदर कुछ इस प्रकार का नजारा है। काफी लोग यहाँ अपना अपना तस्वीर खिंचा रहे हैं। चले अब पंडाल के अंदर। आप हमारी एंट्री गेट पर गाड़ी को पार्क ना करें, किसी दुकान के सामने। कुछ लोग छूकर भी देख रहे हैं कि क्या चीज का बना हुआ है, लेकिन ये पूरा पंडाल बोरे और जूट से निर्माण किया गया इस पंडाल को। और काफी बड़ा मैदान है ये, और छोटा मोटा मेला भी लगता है। और डिजिटल का जमाना है, और आप डिजिटल दान पेटी में आप कुछ दान कर सकते हैं। और अभी काफी बच्चे वॉलेंटियर अपना अपना रोल पूरे पूजा पंडाल में कर रहे हैं। दो दिनों बाद फिर आप देखेंगे कि बड़े बड़े वॉलेंटियर यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा लगती है। तो अब चल रहे हैं माँ के प्रतिमा की ओर, और अंदर काफी भीड़ हो चुकी है। और अंदर भी काफी कलाकारी की हुई है, ये देख लीजिए, ये सब जूट का काम हुआ है। ये छोटे छोटे कई तरह के और पंडाल के अंदर भी मूर्ति के पास भी डिजिटल दान पेटी, भाई डिजिटल पूरा जमाना है। और ये ऊपर पंडाल के अंदर सारा काम जूट का ही हुआ है। तो ये रहा ठाकुर प्यारा सिंह और धुरंधर सिंह पूजा पंडाल के अंदर से। मैं अजीत मिश्रा आपके लिए जमशेदपुर के 5 पंडालों को मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो भाई वीडियो में बने रहिए, और अब भाई आपको ले चलेंगे शीत घोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल। तो चले ये पीछे देख रहे हैं आप हमारे शीत घोड़ा पूजा पंडाल। और इस पंडाल की दूरी है टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर, और यह शीत घोड़ा में
बना है और इस पूजा पंडाल को लोग अखिलेश सिंह पूजा पंडाल के नाम से भी जानते हैं। तो चले अब पंडाल के अंदर कैसा है ये आपको मैं दिखाऊंगा। चले और अभी सामने भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। भाई अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मलखान जी का पंडाल नंबर वन झारखंड में, लेकिन एक से एक पंडाल बना हुआ है और आप यह सिद्धवड़ा पूजा पंडाल देख रहे हैं और हो सकता है नंबर वन का पोजीशन में यह पंडाल हो, क्योंकि अंदर घुसते ही ये शानदार नज़ारा है। यहाँ का पूरा तालाब का रूप दिया गया है, अंदर मछलियाँ भी है। और गेट से घुसते ही ये अंदर ये प्रांगण है, जैसा कि आप गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर के अंदर है वैसे सेम लुक दिया गया है और काफ़ी भव्य लग रहा है अंदर घुसते ही। अभी इसके अंदर भी ले चलेंगे जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई है। तो अब आपको ले चल रहे हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर और काफी भव्य है भाई। और ये छोटे छोटे मंदिर, मंदिर के अंदर शिव जी के विभिन्न रूप, ये विष्णु जी मौजूद है और इस प्रकार के कई छोटे छोटे मंदिर बनाकर सभी देवी देवताओं को रखा हुआ है और काफी बड़ा एरिया है। और आपको ले चल रहे हैं जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई है। कसम से बहुत जबरदस्त लग रहा है ये मलखान सिंह वाला पंडाल जो मैं 3 दिन पहले छोड़ा, उसका व्यू लगभग 6000 पार हो चुका है और मैं इस वीडियो को अपलोड कल करूंगा। काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा। तो भाई आपको मैंने अभी दिखाया जमशेदपुर का 5 टॉप दुर्गा पूजा पंडाल। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आप नंबर वन दे रहे हैं। तो भाई मुझे तो टॉप पंडाल में नंबर वन में ये ही लग रहा है, सिद्धवड़ा दुर्गा पूजा पंडाल के स्वामी नारायण मंदिर थीम पर यह सिद्धवड़ा पूजा पंडाल बना हुआ है। तो भाई हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह टॉप 5 दुर्गा पूजा पंडाल वाला, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपके चैनल का? जर्नी स्टार। जर्नी स्टार। हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है ऋषिका सिंह, फॉलो करिए। क्या चीज़ में बनाते हैं? अभी मैंने स्टार्ट किया है। क्या चीज़? डेली व्लॉग। डेली व्लॉग। बाय। तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।